आप जो है ना डाइवर्स केसेस फाइल कर सकते हैं, फैमिली के कोर्ट्स में आप जो है ना बच्चों की कस्टडी के लिए भी जो है ना केसेस फाइल करते हैं, जिसको गार्डियंस एंड वार्ड्स वार्ड्स एक्ट जो है ना बताया जाता है। यानी कि बच्चे शोर करने हैं, शोर जो है ना बच्चों को रखा कि बीवी को घर से बाहर ढकल दिया, माँ जैसा देखते बच्चों को देख नहीं सकते, बच्चे आपको जरूरत है तो आप क्या पुलिस वाले बच्चों को आपको नहीं दिलाते। बहुत रेयर केसेस में जहाँ पे असर रसूख है वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन देखा गया तो लॉ के हाँ बोल तो आप कोर्ट से अप्रोच होके कोर्ट में केस डाल के लेना पड़ता। जैसा माँ के पास बच्चे हैं, बच्चों की देखभाल सही नहीं हो रही, तो शोहर भी जो है ना बच्चों को जो है ना दो महीने कस्टडी होकर पूछ सकता है। लेकिन नॉर्मली बहुत ज्यादा क्या होता बोल तो आपको जो है ना लोग यह समझते हैं कि बच्चे माँ का रहते, बल्कि वैसा नहीं है। लॉ क्या बोल तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में कोर्ट क्या देखता, वेलफेयर ऑफ द वार्ड, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की बेहतरी, बच्चे के नशोनुमा, बच्चे की तालीम, बच्चे की अच्छी जो है ना यानी कि फूड, उसको अच्छा खाना कहाँ मिलता, उसकी जो है ना माहौल एटमॉस्फेयर उसको अच्छा कहाँ मिलता, वो चीज जो लोग फादर या मदर में से जो भी प्रूव करते कोर्ट क्या करता कस्टडी उनको देता। ये चीज है। इसमें भी फिर जो है ना मर्द बच्चा औरत बच्ची यानी कि बच्चा बच्ची है, बच्चियों को तो तकरीबन क्या है कोर्ट माँ के पास ही रखती, क्योंकि बच्चियों के कुछ अलग मसले रहते, इस वजह से माँ के पास ही रखती। अगर बच्चियों को माँ टोटली नहीं देख सक रही, नेगलेक्ट कर दे रही, उनकी हेल्थ चुप चुप खराब हो जा रही, उन चीजों में क्या है कोर्ट को चीज प्रूव कर दो, अपन कोर्ट फिर कस्टडी फादर को दे दी। इसके साथ साथ कस्टडी बच्चों का नहीं है, माँ माँ के साथ है बच्चे, बाप को बच्चों से मिलने नहीं दे रही, वहां ना स्कूल के मिलने दे रही, ना घर के मिलने दे रही, ना कहीं आने दे रही, ना कहीं जाने दे रही, टोटली बच्चों से प्यार है, बहुत परेशान परेशान है। तो ऐसे लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको भी जो है ना परमिशन है कोर्ट में जो है ना कस्टडी पिटीशन में, उन्होंने क्या है विजिटिंग राइट्स के एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि बच्चों से मुलाकात के लिए। तो बाप रहने की वजह से बाप को राइट रहता है, अगर बच्चे माँ के पास रहे तो बाप को बच्चों से मुलाकात करने का हक है, और बच्चे माँ के पास रहे तो बाप के पास रहे तो माँ को बच्चों के पास जो है ना मुलाकात करने का हक है। लेकिन बाप की कंडीशन में बाप बच्चों को मेंटेनेंस देना जरूरी है, तो ये कोर्ट क्या है परमिशन देती है बच्चों को मेंटेनेंस देने के, मैं कुछ भी खर्चा पानी नहीं दूंगा, मैं खाली जाके मिलूंगा बोल तो ये चीज मुनासिब नहीं है, तो देना पड़ता है। ये चीज जो है ना गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में कस्टडी के लिए है। डाइवर्स तो डाइवर्स लड़की भी फाइल कर सकती है, लड़का भी फाइल कर सकता है, लेकिन डाइवर्स के लिए ग्राउंड्स बताना, क्या ग्राउंड पे जो है ना आप डाइवर्स को जा रहे हैं बोल के। इस तरह से जो है ना फैमिली प्रोसीडिंग्स जो है ना इस तरह से की जाती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है ना मैं शॉर्ट में समझा आप लोगों को, काफी लेंथी सब्जेक्ट है। छोटा डाउट सर, अगर आप इसमें चल सर, मेरा दो डाउट्स है सर। एक क्या है बोले तो, एक एवरेज टाइम क्या रहता क्रिमिनल केस रहने दो फैमिली केस रहने दो वो सॉल्व होने, आज की तारीख में एवरेज टाइम पीरियड कितना लग रहा है और आइडियली कितना होना चाहिए। एक दूसरी चीज सर, हैदराबाद सिटी में अपन बात करें तो आपका मेरा फीस नहीं, अपन किसी भी एडवोकेट करने जाओ बोल रहे, हम करने आओ, रोशन साहब करने आओ, मूसा भाई करने आओ, नहीं बोल रहे, किसी करने भी जा रहे तो एक एवरेज फीस क्या रहती। सेकंड, थर्ड, दूल्हा दुल्हन के केस हुए तो तीन चार केसेस है, उसमें से वो चारों केस मिला के एक फीस होती, नहीं चारों केस को अलग फीस होती। ये अगर वीडियो अगर स्टक नहीं हुआ तो कंटिन्यू। जी बहुत अच्छे सवाल करे सैयद मुसाब रहीम हाशमी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, बहुत ज़बरदस्त सवाल करें, मैं इसके ऊपर बताऊंगा। इनका क्वेश्चन ये था कि टाइम पीरियड कितना रहेगा केसेस में। देखिए आज